एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कनिष्का और आप लोग देख रहे हैं कनिष्का की किचन। आज मैं बनाने वाली हूं स्ट्रीट स्टाइल मोमोज, वो भी रेड चटनी के साथ, जिसके लिए हमें कोई भी स्टीमर की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी खर्चा हमें नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल देसी जुगाड़ से मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही हम रखी चीजों से कैसे बना सकते हैं मोमोज। तो चलिए इस बढ़िया सी वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। मोमोज बनाने के लिए मैंने लिया एक खाली बाउल, इसमें देखिए मैंने डाल लिया एक कटोरी मैदा। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल है या फिर कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें लूँगी, आपके अनुसार डाल देंगे हम सॉल्ट। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। हल्का सा गुनगुना पानी आपको लेना है, जिससे जो हमारा डो होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा सा लग के तैयार होगा। मैंने डो को लगाकर तैयार कर लिया है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड में रख दूंगी। किसी भी चीज़ से, प्लेट से या फिर कपड़े से, आप इसको कवर कर दीजिए और इसको एक साइड में रख दीजिए। 15 से 20 मिनट्स का हम इसको रेस्ट देंगे। अब हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। स्टफिंग के लिए ये लिए मैंने कैबेज। कैबेज को मैंने ग्रेट कर लिया है बारीक बारीक। ये मैंने 300 ग्राम्स मैंने कैबेज ली है। कैबेज का पूरा फूल था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद ये लिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी तीखा आप खाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें 4 हरी मिर्च यूज़ की हैं, बारीक बारीक इनको काट लिया है। अब मैंने इसके बाद ली है देखिए गाजर। गाजर ली है मैंने 2 रेड वाली गाजर हैं, इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये लिया है मैंने गार्लिक और जिंजर, इसको मैंने क्रश करके इसको लिया है। जिंजर मेरा 1 इंच का टुकड़ा था और जो गार्लिक था वो मेरी 4 से 5 क्लोव्स थी, उनको मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक हो गए हैं। अब मैं इनको अभी रख देती हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए देखिए मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कुकिंग में यूज़ करते हैं ऑयल वही आप यूज़ कर लीजिए। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। ऑयल में मैं सबसे पहले डालूंगी ये क्रश किया हुआ जो मैंने लिया था जिंजर और गार्लिक, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो गैस है हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। थ्री से 4 सेकेंड ही हमें इसको चलाना है। उसके बाद हमें इसमें फटाफट से कैबेज को ऐड कर देना है। थोड़ी सी देर इसको भूनूंगी 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कैरेट। इस टाइम जो फ्लेम है वो हमें हाई रखनी है, क्योंकि हमें सब्जी में क्रंच करना है। क्रंच को थोड़ा सा छोड़ना है, मतलब बिल्कुल से सब्जी कम्प्लीटली कुक नहीं होनी चाहिए। जो हमारी सब्जी है, स्टफिंग है, उसमें थोड़ा सा क्रंच हमें होना चाहिए। तो हमारी 3 से 4 मिनट कैबेज को हो चुके हैं। इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी अपनी ग्रेट की हुई कैरेट को, कैरेट और कैबेज। और इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च को जो मैंने काट के रखी थी। और इसको करते हुए हम लगातार हाई फ्लेम पे इसको चलाएंगे। स्टफिंग बनाने में टोटल टाइम हमें 8 to 9 मिनट्स ही लगाने हैं, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं कुक करना है सब्जी को। टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक सोया सॉस को, जिससे जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और थोड़ा सा जो टेस्ट है वो भी थोड़ा सा टैंगी सा होगा। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस को ऐड किया है और मैं इसको थोड़ा सा चला दूँ। स्टफिंग का कलर है चेंज हो गया है और जो स्मेल है वो भी बिल्कुल अलग हो गई है। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से सॉल्ट को, अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट को ऐड कर दीजिए जितना भी आपको खाने पर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैदा है उसमें भी सॉल्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्ट इसमें ऐड करना है। फिर से इसे चला लीजिए अच्छे से। अगर आप अजीनोमोटो यूज़ करते हैं या फिर डालना चाहते हैं, आपको नहीं लगता है वो हार्मफुल है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अजीनोमोटो यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर ऐड किया है और इसको अब हम चलाएंगे फिर से, क्योंकि फ्लेम हमारी हाई है और जो हमारी सब्जी है वो हमारी कुक हो चुकी है। इतना ही हमें उसमें उसको कुक करना था। इसी टाइम पे हमें फ्लेम को करना है बंद, इसी टाइम पे हमें गैस को करना है स्विच ऑफ। स्टफिंग को प्लेट में निकाल लेंगे और फैला के रख देंगे, जिससे कि वो जल्दी से ठंडी हो जाए।
इस पैन में हम मोमोज की चटनी बनाएंगे। मोमोज की चटनी बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ये 2 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 6 से 7 लहसुन की कलियां, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, लंबा लंबा ऐसे ही काट लिया है। ये लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको भी मैंने रफली काट लिया है। इसमें हम फटाफट से अपना सामान डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिए गार्लिक क्लोव्स और ये मैंने डाल दिया है इसमें अदरक, और इसके साथ ही हम इसमें लाल मिर्च को भी डाल देंगे। थोड़ा सा इनको भूनेंगे। तो हमारे जो मिर्च हैं और ये सब हमारा जो सामान है ये सब अच्छे से भून गया है। हमारा मिर्च और अदरक अच्छे से भून गया है। अब मैंने इसमें लिए हैं 2 टमाटर, इनको मैं भी मैंने रफली काट लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा गैस को बढ़ाएंगे, अभी मेरी बिल्कुल गैस सेम है, गैस को मैं मीडियम करूंगी और टमाटर को अच्छे से भूनूंगी। जब तक जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से भुन नहीं जाते, वो मैश नहीं हो जाते पूरे मिक्सचर के साथ, तब तक हम इसको लगातार भूनते रहेंगे। इस तरीके से बनाने से हमारी जो चटनी का टेस्ट आएगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। और इसी तरीके से दुकान वाले जो मोमोज के दुकान शॉपकीपर्स होते हैं वो भी इसी तरीके से चटनी को बनाते हैं। तो आज हम इसी तरीके से चटनी बना रहे हैं, एकदम स्ट्रीट स्टाइल चटनी और स्ट्रीट स्टाइल मोमोज। तो हमारे देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटे मोमोज बन के तैयार होने वाले हैं। अब टमाटर को हमें थोड़ा सा और भूनना है, 5 से 7 मिनट इनको और लगेंगी और जो टमाटर हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे और मैश हो जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको लगातार चलाते रहना है, ये पैन में नीचे ना लगे। किसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट को भी हम स्वाद के अनुसार ही डाल देंगे, और जिससे जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से गल जाएंगे, जल्दी से कुक हो जाएंगे। टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसी टाइम पे मैं गैस को स्विच ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूंगी। हमारी मैदा को 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने उसमें बिल्कुल छोटा सा एक नींबू के बराबर, छोटा जो नींबू होता है ना उसके बराबर मैंने इसमें से एक पोर्शन ले लिया है, और इस पोर्शन की मैं छोटे से की एकदम से छोटी सी लोई बनाऊंगी और इसको रैप कर लूंगी। जो मेरी मैदा है या फिर आप कॉर्नफ्लोर जिसमें भी आप चाहते हैं आप इसको रैप कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बेलना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज नहीं करना है, नहीं तो फिर ये हमारे चकले और बेलन पे चिपक जाएगा। उसको धीरे धीरे बेलते हुए थोड़ी सी हमें पतली सी एक रोटी बना लेनी है, जितनी भी बड़ी इसकी बनती है लेकिन बनाना हमें पतला ही है। तो देखिए हम हमारी जो रोटी है वो लगभग बन के तैयार हो चुकी है। एक बार इसको हम और बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरी एकदम बढ़िया सी रोटी बनके तैयार हो गई है। छोटी सी जितनी लोई मैंने ली थी, इस रोटी के चारों कॉर्नर पर हम पानी लगा देंगे जिससे उसको चिपकने में आसानी हो, और पानी हमें पहले ही लगाना है। बीच में हमें थोड़ी सी स्टफिंग रख देनी है, स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब अपने हिसाब से जितनी बड़ी आपकी रोटी है उसी हिसाब से आप इसमें स्टफिंग रख दीजिए, और इसको इस तरीके से एक तरफ से उठाते हुए और इसको एक ही साइड से मोड़ते हुए और इस तरीके से करना है। तो देखिए ये हमारा राउंड शेप का मोमो कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है, कितनी बढ़िया इसकी शेप। तो मैंने अपने सारे मोमोज को बना के तैयार कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शेप मेरे मोमोज की आई है। ये देखिए, अगर आपसे ऐसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसको ट्रायंगल शेप में, सिंपल ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। अब मैं मोमोज को स्टीम करूंगी। स्टीम करने के लिए मैंने ले लिया है भिगोना। हम एकदम देसी जुगाड़ से मोमोज को स्टीम करेंगे, हम उसके लिए कोई स्टीमर की जरूरत नहीं है। मैं एकदम देसी जुगाड़ आपको बताऊंगी जिसमें हम मोमोज को स्टीम करेंगे। तो देखिए मैंने ले लिया एक भिगोना, भिगोने में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया, 3 से 4 ग्लास। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी छलनी। छलनी आप लोगों के घर में, सभी के घरों में जनरली मिल ही जाती है। तो इसके ऊपर मैं, या तो आप इसकी सरफेस को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर पानी को थोड़ा सा खोलने दीजिए। तो पानी जब खोल जाएगा तो जो उसकी वेपर है वो ऊपर आ जाएगी, और तो जो हमारे जो मोमोज हैं वो छलनी में नीचे नहीं चिपकेंगे। मैंने छलनी को घी से ग्रीस कर लिया है और मैं इसके ऊपर 1x1 करके मोमोज रख दे रही हूँ। मैंने अपनी छलनी में अच्छे से मोमोज को रख लिया है। जो हमारे एक्स्ट्रा 1 या 2 मोमोज जो बचे हुए हैं उनको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। इसको एक प्लेट लेके, बड़ी सी प्लेट ले लूंगी और उससे इसको कवर कर दूंगी। हमें इसको ओवर स्टीम नहीं करना है, 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको
फुल मैंने गैस की हुई है और इसको हम 10 से 12 मिनट्स में गैस स्विच ऑफ करके एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारे जो टमाटर और मिर्च हैं ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने इनको ग्राइंडर में चेंज निकाल लिया है बाहर और मैंने इसमें 1 से 2 स्पून पानी डाला है। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। मैंने अपनी चटनी को ग्राइंड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो चटनी है कितनी स्मूथली ग्राइंड हुई है। अब मैं इसको एक बाउल में बाहर निकाल लूंगी। तो अगर आपको व्हाइट विनेगर का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें व्हाइट विनेगर 1 स्पून ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। 10 मिनट्स मोमोज को हो चुके हैं। अब देखिए आप देख सकते हैं जो मोमोज हैं वो साइज में फूल के बड़े हो गए हैं। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके गैस को स्विच ऑफ कर रही हूँ और 1 बाय 1 करके बाहर निकाल लेती हूँ। मेरे मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट इनकी ऊपर वाली लेयर है मोमोज की, और अंदर की जो स्टफिंग है उसमें साफ साफ क्लियर बिल्कुल दिख रही है। इतनी ही पतली लेयर बनानी है। अगर मोटी लेयर आप बनाएंगे तो मोमोज में आपको वो मजा नहीं आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।